अभी हम आपको अजंता सॉलिड कुकू क्लॉक सीरीज घड़ी में मूवमेंट रिप्लेस करने का तरीका बताने जा रहे हैं। उसके लिए आपको इन टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी: कटर, हैंड्स ओपनर, हैंड्स पुशर, टू पार्ट स्क्रू ड्राइवर और सेलो टेप। इसके बाद अब हम बैक कवर को निकालेंगे। बैक कवर निकालने के लिए जो ओपन लिखा है उस तरह ऊपर ले जाकर बाहर खींच लेंगे। उसके बाद आगे हैंड्स को निकालेंगे। हैंड्स निकालने के लिए हैंड्स ओपनर की मदद से हैंड्स को खींच लेंगे। इस तरह से हमारे हैंड्स अलग हो जाएंगे। अब हम मूवमेंट में दिए गए स्क्रू को खोलेंगे। स्क्रू खुल जाने के बाद अब हम वायरिंग कट करेंगे। वायरिंग कट करने के लिए पहले केबल टाई को खोलेंगे और उसके बाद मूवमेंट का वायरिंग है जो उसे कट करेंगे और ऊपर की तरफ जो मैकेनिज्म का वायरिंग है वो वायरिंग कैप की मदद से किया गया है उसे भी अलग कर लेंगे। इस तरह से वायरिंग कट हो जाने के बाद मूवमेंट को इस तरीके से निकाल लेंगे। अब हम घड़ी में नया मूवमेंट फिट करेंगे। फिट करने के लिए मूवमेंट को उसकी पोजीशन में रख के दोनों स्क्रू को टाइट कर लेंगे। स्क्रू टाइट हो जाने के बाद अब हम आगे की ओर हैंड्स को फिट करेंगे। हैंड्स फिट करने के लिए पीछे की तरफ एडजस्टर की मदद से कैम को सेट करेंगे। उसके बाद आवर एंड को लगाएंगे हैंड्स पुशर की मदद से और फिर मिनट हैंड लगाएंगे और चेक कर लेंगे। इस तरह से हमारे हैंड्स फिट हो गए हैं। अब हम मूवमेंट का वायरिंग करेंगे। वायरिंग करने के लिए हम मूवमेंट के ग्रीन वायर को पीसीबी के ग्रीन वायर के साथ कनेक्ट करेंगे। मूवमेंट के ब्लू वायर को पीसीबी के ब्लू वायर के साथ और मूवमेंट के ब्लैक वायर को पीसीबी के ब्लैक वायर के साथ कनेक्ट करेंगे। उसके बाद मूवमेंट के येलो वायर को पावर स्टैंड के येलो वायर के साथ कनेक्ट करेंगे। कनेक्शन हो जाने के बाद येलो वायर जो है उसमें वायरिंग कैप लगाकर उसे उसकी जगह पर फिट कर देंगे। उसके बाद बाकी की वायरिंग में
हम सेलो टेप कवर करेंगे। तो इस तरह से हमारा मूवमेंट कुकू क्लॉक में रिप्लेस हो गया है। और इसके बाद अब हम घड़ी में पेंडुलम फिट करेंगे। पेंडुलम इस तरीके से फिट करने के बाद अब हम बैक कवर को फिट करेंगे। बैक कवर फिट करने के लिए ऊपर की तरफ ऐसे रख कर नीचे की तरफ पुश करना है। तो इस तरह से हमारा बैक कवर फिट हो गया है।